आदमी अक्सर अपनी तुलना सिंह यानी शेर से करता है। किसी तरह मानव अहंकार ने स्वयं को सिंह के साथ पहचाना, और चूंकि सिंह प्रति 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करता है और केवल मांस पर जीवित रहता है, उसे अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं होती। एक सिंह की आंत मानव की तुलना में काफ़ी छोटी होती है, मानव की तुलना में 1/4, शायद उससे भी कम। मानव मूलतः शाकाहारी होते हैं, और यदि तुम शाकाहारी खाना खाते हो तो इसे पचने में अधिक समय लगता है क्योंकि इसमें अधिक फाइबर होता है। मांस खाने से फाइबर की आवश्यकता नहीं होती, ये पहले से ही पचा हुआ भोजन होता है। जानवर पहले ही तुम्हारे लिए ये काम कर चुका होता है, तुम सिर्फ इसे खाते हो और ये पहले से ही पचा हुआ भोजन होता है, इसलिए बहुत छोटी आंत की आवश्यकता होती है। लेकिन मानव की मूर्खता ये है कि उसने शेर की तरह छोटा पेट करने का प्रयास किया। सभी को ये सिखाया गया है कि पेट को अंदर खींचें और छाती से सांस लें, पेट से नहीं, इसलिए छाती और बड़ी होती जा रही है, जैसे कि मिस्टर यूनिवर्स की। आजकल 56 इंच का सीना बहुत पॉपुलर है, फिर पेट अंदर चला जाता है। लेकिन ये बीमार लोग होते हैं, वे प्राकृतिक नहीं है, वास्तव में वे बदसूरत है। एक बेहतर दुनिया में जब मानव अधिक प्राकृतिक हो जाएगा, वे बस हंसेंगे। ये हास्यपद लगेगा कि लोगों ने जानवरों की तरह बनने का प्रयास किया। इस प्रकार मानव ने अपनी सांस लेने की प्राकृतिक प्रणाली को ही नष्ट कर दिया, और फिर महिलाओं में ये विचार आया कि उन्हें बड़े स्तन और छोटा पेट होना चाहिए। इससे उनकी अप्राकृतिक सांस लेने की आदत शुरू हो गई। जब भी किसी महिला को बोलो कि स्वाभाविक रूप से सांस लो, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। वो कहती हैं ये मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पेट बड़ा हो रहा है। हाँ, ये बड़ा होता है, लेकिन ये तुम्हें स्वाभाविक रूप में ले आता है। आजकल का सोशल मीडिया, फिल्में, फैशन जगत, इन्होंने सुंदरता का एक क्राइटेरिया बना लिया है कि सुंदर व्यक्ति इस तरह से होता है, एक पुरुष या स्त्री इस तरह से दिखना चाहिए तो वो सुंदर है। सारा ध्यान बाहर कैसे दिखना है उस पर चला गया है, और इस प्रकरण में हम अपने को भूल गए और अपने स्वभाव के साथ इतनी छेड़ाखानी कर ली जो हमारी मनस्थिति को गड़बड़ा गया। जो भी तुम्हें स्वभाव में वापस लेकर आए, वो कार्य शुभ है, सुंदर है, फिर चाहे उसे समाज स्वीकार करे या नहीं, उसकी परवाह मत करना। याद रखना, हमेशा अपने आप से पूछना कि क्या तुम अच्छा दिखना चाहते हो या अच्छा महसूस करना चाहते हो। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने शरीर और सांस की प्राकृतिकता को स्वीकार करें और उन्हें उनकी मूल अवस्था में लौटने दें। प्रणाम।